विकास के नाम पर महीने का 4 किलो अनाज और बस उन 4 किलो अनाज में कटती जिंदगी, ना सड़क, ना पानी, ना मकान, बस कहने को दिया जा रहा है हर महीने 4 किलो अनाज। गुमला जिले के डुमरी प्रखंड अंतर्गत करनी पंचायत के बिरहोर कॉलोनी में रहने वाले आदम जनजाति के 17 बिरहोर परिवार आज भी सरकार की मूलभूत सुविधाओं के अभाव के बीच जिंदगी गुजारने को मजबूर है। इनके पास आवास जर्जर है, सालों भर डांडी का दूषित और गंदा पानी पीते हैं। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की कमी है, सरकार की ओर से राशन दिया जा रहा है, उसी से अपना जीवन गुजार रहे हैं। कॉलोनी में सबके लिए शौचालय बना हुआ है, बिजली जल रही है, परंतु रोजगार का कोई साधन नहीं है। गांव वाले के पास जीवन बसर करने के लिए जमीन जायदाद नहीं है, ना ही किसी प्रकार की स्वरोजगार का साधन है। गांव के बच्चे 5वीं-6वीं तक पढ़ाई कर रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य कमाने चले जा रहे हैं। गांव के सभी ग्रामीणों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि हमें लंबे अरसे के बाद बिरसा आवास जरूर मिल गया है, लेकिन अब तक हमारी रोजगार की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। उनकी सरकार से मांग है कि स्वरोजगार के लिए बकरी, सुअर, मुर्गी, गाय पालन योजना का लाभ दे, ताकि सभी गांव वाले स्वरोजगार कर अच्छे से जीवन यापन कर सके। चाहते हैं, सब जन चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कोई काम धंधा है नहीं, इसलिए सब लोग चाहते हैं कि काम धंधा अच्छा हो, अपने परिवार को पाले, बच्चे सबको। इधर आता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं चलता, तो कैसे वो करेंगे? आएगा जब भी ना कोई करेगा, किसी को पता चलेगा जब भी ना उधर जाके बात करेंगे। मतलब कोई भी योजनाएं आती है, आप लोगों को सतत पर जानकारी नहीं मिल पाती? जानकारी नहीं मिलता, ना कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो कैसे पता चलेगी? अब बकरी के लिए, सुअर के लिए, सब चीज के लिए मांग किए हैं। जो आदिम जन जाती है उनके लिए जो भी है उधर से मतलब लॉन्च किया जाए, ठीक है, पर इधर तो किसी को पता नहीं चलता है, ना ही कॉन्ट्रैक्ट हो पाती है, तो इसलिए इतना नहीं कर पाते हैं। कितने बार तो लिख लिख के ले जाते हैं, पर नहीं करते हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि? हम लोग तो चाहते ही हैं, हम लोग चाहते हैं कि प्रखंड का कोई आदमी आए जो यहाँ पर आके बात कर, जिसका सेवा कर सकते, वो लोग हमारे मतलब कर सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुमन। रोजगार चाहिए, जैसे कि हम लोग को, जैसे मान लिया जाए पशु ही पालन हो, तो हम लोग को बकरी चाहिए पशुपालन विभाग से, या सुअर चाहिए, या मुर्गी पालन चाहिए, ये सब करके हम लोग आगे बढ़ सके। जी, इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे सर कि हम लोग को जो भी हम लोग सरकार की तरफ से मिलता है योजना या कोई भी, तो वो हम लोग जगह पहुंच नहीं पाता है, या तो ब्लॉक में आए, या तो कहीं मुखिया फंड से या कोई भी फंड से, तो वहाँ हम लोग जगह तक पहुंच नहीं पाता है। जैसे हम लोग का चापाकल होता हुआ, तो चापाकल भी कम से कम हम लोग के पास अभी 8-10 साल से एक चापाकल है जो भी हुआ है निर्माण, उसमें भी हम लोग सोच रहे हैं कि मतलब ऊपर क्या बोलेंगे, ये जो नहीं सर हम लोग लगवाना चाहते हैं, तो वो भी हम लोग ट्राई किए हैं, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा। जी सर, इसके लिए हम तो अभी तो हम लोग को जानकारी नहीं मिल पा रहा है, तो इसके कारण तो अब हम लोग प्राप्त कर सकते हैं जानकारी, इसके लिए वहाँ भी हम लोग जा नहीं पाते हैं, क्योंकि रोजी रोजगार हैं, रोजी करके हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं अभी, तो कभी काम में व्यस्त रहते हैं कूली मजदूरी में, इसलिए हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। जी हाँ, ब्लॉक से जैसे हम लोग को जानकारी नहीं मिल पाता है सर, तो उसके लिए जानकारी देने के लिए हम लोग जगह एक कोई आए के जानकारी दे, ताकि हम लोग जान सके। क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश बिरो। संत माइकल एंग्लो इंडियन स्कूल, मोहनपुर, कोटा, झारखंड। जी हाँ, CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहाँ पर एडमिशन ओपन हो चुके हैं। जी हाँ, यहाँ कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई योग्य, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा करवाई जाती है। यहाँ पर हर वर्ष बच्चे बोर्ड में 100% रिजल्ट देते हैं। इसके अलावा इस स्कूल में कई और भी सुविधाएं हैं, जैसे बॉयज एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल की सुविधा, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, साइंस लैब, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेलकूद, इंग्लिश स्पोकन इत्यादि। तो आप अपने बच्चे के सर्वांगीण विकास एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए आज ही नामांकन कराएं संत माइकल एंग्लो इंडियन स्कूल, मोहनपुर, कोड्डा, झारखंड में। नए सत्र के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं, और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9934193826 पर, या फिर 8757459915 पर।